नमस्कार दोस्तों, फिर से एक न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो शाम के 10 बज चुके हैं और पूरा नाइट हो चुका है। इस शहर को दोस्तों छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है और स्मार्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है पूरे छत्तीसगढ़ में। तो नाइट का व्यू आप सभी को मैं दिखाऊंगा। मेरे घर से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों, नाइट व्यू आप सभी को मैं दिखाऊंगा, वीडियो पर बने रहिए। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, गुदरी बाजार वाला रोड है अंबिकापुर का। उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर राइट साइड में रिंग रोड है और रिंग रोड को पकड़ के हम लोग अपना खरसिया नाका चौक जाएंगे। तो अभी अंबिकापुर का गुदरी बाजार रोड में है हम लोग, फिर आगे निकल कर हम लोग राइट साइड में जाएंगे। अभी पहुँच ही गए हैं रिंग रोड। तो दोस्तों राइट साइड में हम लोग को जाना है, ये यही रोड है रिंग रोड। स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है हमारे अंबिकापुर को, और छत्तीसगढ़ का शिमला भी इसी को कहा जाता है दोस्तों। और हम लोग इसी शिमला में हैं, छत्तीसगढ़ का जो कि रिंग रोड है, देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत रोड। शहर में लाइट लगा दिया गया है, देख सकते हैं रिंग रोड। लोग सीधा निकल कर खरसिया नाका जाना पड़ेगा चौक, उसके बाद वहां से लेफ्ट टर्न लेंगे। रोड खाली है दोस्तों, देख सकते हैं एक भी गाड़ी चलते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। जाने वाला टेंपल के चौक पर जस्ट है, ये देख सकते हैं। इधर से हम लोग लेफ्ट टर्न जाएंगे तो सीधे महामाया मंदिर पड़ता है। पता नहीं ये रात हो गया है तो हम लोग नहीं जाएंगे, और इसमें सीधा भी आगे बढ़ेंगे तो खरसिया नाका चौक मिलेगा। और यहीं से दोस्तों NH 43 रोड चालू हो जाएगा खरसिया नाका चौक से, और हम लोग जाएंगे लेफ्ट टर्न लेके। आगे एक रुचकी घाट पड़ता है, काफ़ी खतरनाक और डेंजरस घाट है, मैं दिखाऊंगा। अभी तो ओवर ब्रिज बन रहा है पर पूरा बना नहीं है, चलिए आपको मैं दिखाऊंगा। पूरे रोड खराब है अभी 2.5 किलोमीटर। तो ये देख सकते हैं दोस्तों खरसिया नाका चौक हम लोग अभी पहुंच गए हैं, और हम लोग यहाँ से सीधे जाते हैं तो बिलासपुर चौक पड़ेगा। इधर से बिलासपुर होकर भी जाएंगे और यहाँ से हम लोग कभी लेफ्ट जाएंगे, यदि राइट जाते तो अंबिकापुर मेन सिटी घुस जाता, और आगे सीधे जाएंगे तो बिलासपुर चौक। बिलासपुर चौक पहुँचने के बाद लेफ्ट जाएंगे तो सीधे बिलासपुर रोड पकड़ाएगा, तो हम लोग उसमें ना जा करके लेफ्ट टर्न लिए हैं। ये हम लोग का जसपुर के लिए है, ये रोड सीधे जसपुर ज़िला निकालेगा, लेकिन NH 43 बतौली के पास छूट जाता है, वो सीधे आपको निकालेगा पत्थर गाँव। तो दोस्तों अभी सीधे
निकालते हुए मेल पार्ट की ओर ले जाएगा और यहाँ से थोड़ी सी दूर में लुचकी घाट है, खरसिया नाका चौक से लगभग 2 किलोमीटर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं अभी साइड में बैठा हुआ हूँ और ड्राइव कर रहा है, देख सकते हैं मनोज जस्ट अभी लुचकी घाट पहुँचने वाले की हैं हम लोग और पूरा गाड़ी देख सकते हैं खाली है, बस हम दोनों बस आए थे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं यहीं से चालू होता है लुचकी घाट अंबिकापुर का और ये काफ़ी डेंजरस घाटी है। ये देख सकते हैं जो रोड बन रहा है सीधे ओवर ब्रिज ऊपर तक निकालने के लिए बन रहा है, इसमें टर्निंग सब हट जाएगा, ऊपर से पूरा गाड़ी पार हो सकता है। देख सकते हैं आए दिन यहाँ पर दुर्घटना होती रहता है, काफ़ी खतरनाक घाटी है। ओवर ब्रिज काफ़ी खूबसूरत बन रहा है देख सकते हैं, अभी सीधे टॉप पे जुड़ेगा और गाड़ी एकदम सीधे आ जाएगा ऊपर से नीचे, टर्न करना नहीं पड़ेगा। काफ़ी खतरनाक लुचकी घाट था, पर डे जैसे कुछ ना कुछ गाड़ी का प्रॉब्लम या गाड़ी पलटी ऐसा देखने को मिलता था, अभी तो थोड़ा सा सुधर गया है, पहले और खतरनाक था। देख सकते हैं दोस्तों ये अंबिकापुर तरफ से आएंगे और ये देख सकते हैं सही भी बात है, गाड़ी यहाँ पर फंस चुका है, फंस चुका है गाड़ी, पर डे देखने को मिलता है। तरफ से आते हैं तो ये फर्स्ट टर्निंग है, उसके बाद में सेकेंड है, उसके बाद खत्म। एक मंदिर पड़ता है काफी जबरदस्त, पता नहीं क्या मंदिर है, मैं तो ध्यान नहीं दिया। माता रानी का मंदिर है, पूरा रोड कटिंग हो रहा है, उसके बाद बनेगा जबरदस्त लगेगा। यही मंदिर है दोस्तों, यही बस माता रानी का। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हम लोग अभी रघुनाथपुर इंटर कर चुके हैं और ये ज्यादा बड़ा सिटी ये देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम लोग खाना खाएंगे नवीन ढाबा में, उसके बाद में सीधे निकलते हैं, फिर कंटिन्यू करता हूं वीडियो। तो दोस्तों ये देख सकते हैं अभी हम लोग बादल खोल जंगल इंटर कर चुके हैं जो कि जसपुर जिला का सबसे बड़ा अभ्यारण इसी जंगल को कहा जाता है। आप देख सकते हैं अभी रात के करीब 1 बज चुका है और हम लोग के अंदर में ही हैं देख सकते हैं, और इसके बाद में पड़ेगा क्या आगे मिलता। तो दोस्तों मैं अंबिकापुर से कल 3 बज गया रात को वापस हुआ हूं, उसके बाद में दोस्तों आज मैं खारवा जंगल में आया हुआ हूं, देख सकते हैं नज़ारे कुछ इस प्रकार से, काफ़ी घना जंगल है और ये दुलदुला से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों मैं आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में बहुत ही जल्द मिलता